कितने लोग हो आप? 16 लोग। इसमें लेबर कितने हैं? हाथ ऊपर करना, ठीक है, हाथ नीचे कर लो। ड्राइवर साइकिल होते जा रहे हो? ड्राइवर, क्या नाम है आप लोग आपका? राम हरि मौर्य। लेबर की सैलरी कितनी पता है आप लोग? 325 नहीं है, 330, ठीक है, $5 का कम करा लोगे। अच्छा चलो ठीक है। ड्राइवर की 450। खाना सबका फ्री है, ठीक है, सिर्फ सैलरी का फर्क है लेबर और ड्राइवर में, बाकी सुविधाएं सब सेम है। रूम फ्री है, खाना फ्री है, मेडिकल फ्री है, एकोमोडेशन। मेडिकल मीन्स की इंश्योरेंस आप लोग का है, मगर जो मेडिकल फैसिलिटीज है, दुबई वुबई कोई गया होगा इसमें तो आईडी बनती है वहाँ पे, एमिरेट्स आईडी। यहाँ पे आईडी नहीं बनती इस देश में, देखो वो वहाँ पे आईडी बनती है, कंपनी नहीं बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है, पैसा काटती है, ठीक है ना। यहाँ पे ना काटती है ना बनाती है गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या सिस्टम है, कंपनियों को ऑर्डर है कि अपने कैंप में डॉक्टर रखो, मतलब क्लिनिक रखो, तो इस प्रोजेक्ट पे कैंप में ही क्लिनिक है, बराबर, ठीक है। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ रिपीट करके कि अपनी बुखार जुखाम जैसे होता है ना, कुछ दवा किसी को सूट करती, कुछ दवा किसी को, तो बेसिकली डोलो, कॉम्बिफ्लेम, क्रोसिन, पैरासिटामोल, इस टाइप की दवाइयाँ अपना, इनो हो गया, गैस का हो गया, सब कुछ जनरली ले लेना अपना, बहुत महंगी नहीं, सारी 300-400 में हो जाती है, किसी को देना नहीं, खुद ही के लिए। ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, बाकी ना ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, वहां तो लगाएगा ही जो रहेगा, मगर ताजिक दवाइयाँ का सूट कम करती है इंडियंस, ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ। ताजिक लोग खुद ही इंडिया आते हैं दवाई कराने, पता है आप लोगों को, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, ये लोग खुद ही इंडिया आते हैं दवा कराने, क्योंकि उनकी दवाइयाँ उतनी काम नहीं करती हैं। क्या वजह है वो तो वो जाने, कब डॉक्टर कमजोर है या हॉस्पिटल कमजोर है पता नहीं, तो इसीलिए जनरली दवा अपनी लेके जाना है, ठीक है। बाकी कंपनी का नाम है तगेम, तजाकिस्तान का कंपनी है, प्रोजेक्ट है हाइड्रो का प्रोजेक्ट है, मतलब डैम बन रहा है। मैं फिर क्लियर कर दूं लेबर को, बाद में क्या होता है जाके, जैसे अभी ये कह रहे थे पावर खराब है, कंपनी खराब है, तो देखो खराब का मतलब काम कराएगी, सैलरी देगी, ठीक है, समझे। 26 दिन ड्यूटी करो, $330 नहीं आता मुझसे बात करो, बराबर, ये तो गारंटी ले सकता हूँ मैं। 30 दिन ड्यूटी करो, मोटी मोटा इंडिया का अगर 30,000 नहीं बनता, 29,000 30,000 नहीं बनता, तब मुझसे बात करो। खाना नहीं मिलता, भूखे सोना पड़े, तब मुझसे बात करो, मैं जिम्मेदार हूँ, बराबर है, यही तो होता है जो एग्रीमेंट में लिखा है। तगेम कंपनी है, वो कंपनी के अलावा दूसरी सप्लाई में डाल दे तो मुझसे बात करो, भाई ये तो कंपनी बोला था सप्लाई में डाल दिया ठेकेदार में, तब मुझसे बात करो, मैं जिम्मेदार हूँ, ठीक। कंस्ट्रक्शन लेबर हो, तुमसे कहता है चलो ट्रक चलाओ, क्रेन चलाओ, मोबाइल वो जमादारी करो यहाँ पे, मतलब नाली सीवर लाइन साफ करो, तब मेरी जिम्मेदारी है, भाई लेबर हो, लेबर का काम करना पड़ेगा। लेबर में तुमसे डैम पे खनन कराती है, खनन में मतलब रिस्की काम आपसे नहीं कराती, वो अलग टीम है, जो माइनिंग में करते हैं वो अलग टीम है। आपका होता है कंक्रीट वाले के साथ काम करना है, सरिया वाले के साथ काम करना है, कहीं ऑपरेटर के साथ काम करना है, कहीं कुछ अपना माइनिंग में कहीं चल रहा है, माइनिंग मीन्स की ड्रिलिंग वगैरह, ड्रिलिंग मतलब कोई चीज जैसा होता है ना कि यहाँ से हटा के इधर, छेनी वाली आपको नहीं चलाना ना, मशीनरी से काम है, छेनी चला के पत्थर खत्म कर पाओगे, बड़ी बड़ी पहाड़ सब, तो वो सब काम आपका बहुत मेहनत वाला नहीं है, मगर हाँ भाई लेबर लेबर ही होती है, सीधी सी बात है, बराबर है। ड्राइवर है अपना गाड़ी चलाना है, बट लेबर लेबर है, ये नहीं कह सकते आप कि ये वो है भाई, यहाँ पे सरिया रखी है, ले जाके रखना है, इंजीनियर तो ही रखेगा ना, आप ही लोग अपना ग्रुप बनाओ, वो अलग बात है कि सारे मिल के उठा के ले जाओ, नहीं उठ रही एक से 10 लोग मिलकर उठाओ, उसके लिए अलग बात है, मगर ले आप ही को जाना है, लेबर को ही, बराबर, एकदम सीधा सा बात है, बराबर है, गलत बोल रहा हूँ। तो इस चीज का कंप्लेंट नहीं होना चाहिए कि काम करा रहा है, मेहनत पड़ रही है, मेहनत तो पड़ेगी, हाँ ज्यादा हैवी काम तुमसे नहीं करा जाओ, जो एकदम आप वाला नहीं है, जैसे पता लगा 200 छड़ का बंडल है तो मशीन उठा के जाएगा ना, उसके लिए क्रेन है, बट 5-10 ले जाना है तो आप ही लोग ले जाओगे ना, 5-10 के लिए क्रेन क्या उठाएगा वो, तो ये सब काम आप लोग का है, ठीक है। लेबर का, ड्राइवर का भैया पहाड़ है, ये नहीं होना चाहिए बहुत हाइट वाला पहाड़ है, डैम हाइड्रो प्रोजेक्ट है तो छोटे से पहाड़ पे तो बनेगा नहीं कि 10 फीट के 15 फीट पे, कैसा भी लगे वो तो 5,000 फीट 4,000 फीट 6,000 फीट होता है। हाँ ये नहीं कि आप कैसे वो खतरों खिलाड़ी बनाएंगे, ऐसा नहीं है, रोड पे ही गाड़ी चलानी है, रोड रहता है, ठीक है, और जहाँ सारे ड्राइवर करेंगे वही आपको भी कराएंगे, जब सारे कहेंगे ओके आपको दिक्कत है फिर तो आप में दिक्कत है कि नहीं। उस कंपनी में लगभग कुछ नहीं काम करते तो 7-8 हजार वर्कर उसी प्रोजेक्ट पे काम, कंपनी नहीं बस प्रोजेक्ट पे ही काम करते हैं। अब 7-8 हजार में से 6,900 लोग 960 कर रहे हैं, अगर उसी 15-20 को प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब ये 15-20 में प्रॉब्लम है,
कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है, बराबर। अगर जब प्रॉब्लम होगी सारे बैठ जाएंगे ना भाई, दिक्कत है हम नहीं करेंगे। बाकी कुछ होती है वो भौगोलिक प्रॉब्लम, मतलब भौगोलिक प्रॉब्लम से मीन्स की मतलब मौसम का, वेदर का। तो वेदर जब ज्यादा बर्फ पड़ती है, ज्यादा ठंड हो जाती है, तो गवर्नमेंट हॉलीडे हो ही जाता है। उस हॉलीडे में आपका पैसा नहीं कटता है, वो चार दिन काम ना हो, छह दिन ना हो, दस दिन ना हो, कोई पैसा नहीं कटता है। आप बैठो, सैलरी मिलेगा, वो कंपनी खुद ही अलाउंस कर देगी जब बहुत बर्फ पड़ेगी। ओवर टाइम भी कराती है कंपनी क्या? 12 घंटे का ड्यूटी है, कितना ओवर टाइम करोगे? 10 घंटा ड्यूटी, 2 घंटा लंच, उसके बाद बचेगा कितना ओवर टाइम करने के लिए? भाई पूरे रसिया सेंट्रल एशिया रीजन में ही 10 घंटे नीचे ड्यूटी नहीं है, 11 घंटे मिनिमम होती है। तो 10 घंटे ड्यूटी, 2 घंटे लंच का निकाल दो, किधर बचा आपके पास टाइम, किधर ओवर टाइम करोगे? मशीन थोड़ी हो, फिर पहाड़ है, सिटी में नहीं है, फिर वहाँ करोगे क्या? घूमने वाली कोई जगह नहीं है वहाँ पे। अभी आप उतरोगे दुशान्बे सिटी में रहोगे, वो तो बहुत अच्छी सा है, अच्छी सिटी है, वो तो कैपिटल है उसकी, मगर पता लगा उतरो दिल्ली में तो दिल्ली तो सबको अच्छा लगता है, भेज दिया उधर सोनीपत और पानीपत के खेतों में जाओ काम करो, तो वहाँ काम घूमोगे। तो ऐसे ये भी है, यहाँ क्या है, पहाड़ी देश है, सब खेत नहीं होता है, पहाड़ होता है, तो पहाड़ों में प्रोजेक्ट होता है। हाइड्रो प्रोजेक्ट कभी भी शहर के अंदर नहीं होता है, क्योंकि सब बड़े बड़े डैम होते हैं, अगर टूट गया तो पूरा शहर साफ कर देंगे, 200 किलोमीटर एरिया ही साफ हो जाता है। अब वर्ल्ड का तीसरा चौथा सबसे बड़ा डैम है तो कितना बड़ा हुआ सोच लो। तो ये सब बहुत बड़े प्रोजेक्ट है, अंदर में रहना है, दारू बड़ी सस्ती मिलती है वहाँ पे, तो थोड़ा देखे रहना, ज्यादा ना पी लेना। ज्यादा पियोगे भैया आप लोग जिम्मेदार हो, कोई नुकसान होता है, कुछ होता है, आप जिम्मेदार हो, जिम्मेदार नहीं, सर सस्पेंड टर्मिनेट कुछ भी होते हो, ठीक है, टर्मिनेट। बाकी यूनियन बाजी, गुट बाजी एकदम सख्त मना है। जैसे अभी एक से मैं बात कर रहा था तो पीछे से आया कुछ मुझे बताने, आप आए थे जी, तो ये नहीं है, जिसकी बात हो रही उसी को बात करने दो, मार थोड़ी रहा है कोई, बचाने की जरूरत हो रही है, बात ही तो हो रही थी ना जी। और तुम बीच में आते तो बात बिगड़ती, तुमको भगा दिया, मामला समाधान हो गया, उसका क्लियर हो गया, जा रहा है, कौन लड़का था, इसी में कोई था, ये था, बराबर। माहौल ऐसे ही खराब होता है, एक से सुपरवाइजर बात कर रहा है, एक पीछे से नेता टाइप आ गया कोई, वो पता लगा उसको देख के एक नेता और आ गया, फिर 3 नेता हो गए, फिर सुपरवाइजर का मूड खराब, वो इससे भी नहीं बात करेगा, बोलेगा एक काम करो बात नहीं करूंगा, अब जाके एब्सेंट करूंगा सीधे, ठीक है। उसको बात कर रहा है, बात करने दो, जब नहीं समाधान होगा तो हम बैठे उसके लिए, आप लोग अपना नेता के लिए मत करो, बराबर। किसी को कोई समस्या है, जैसे भी कुछ ड्राइवर गए थे, उनका गाड़ी तेल ज्यादा पी रहा था, भगवान जाने क्या दिक्कत थी, उसमें सीट में बना दिया सुपरवाइजर ने कि इनका इतना सैलरी कटेगा, इनका गाड़ी एवरेज ही नहीं दे रहा है, जितने तेल में 50 ड्राइवर गाड़ी चला रहे हैं 100 किलोमीटर, इसकी गाड़ी चल रही है 40 किलोमीटर, कहां तेल पी रही है। उन्होंने हमसे बताया, हमने बात किया मैनेजमेंट से, ट्रक चेक कराओ, इंजन चेक कराओ, मैकेनिक को भेजो, हो सकता है फिल्टर खराब हो, सॉरी इंजेक्टर खराब हो, पंप खराब हो, नोजल खराब हो, या कहीं लीकेज हो, जो भी ड्राइवर ही गलत हो, अगर सब कुछ गाड़ी सही है उसके बाद भी कम हो रहा है, मतलब ड्राइवर कमी है, फिर तो कुछ गड़बड़ कर रहा है। चेक कराया, भगवान जाने दोबारा क्या चेकिंग में क्या निकला, ड्राइवर का भी कुछ नहीं कटा, समस्या भी समाधान हो गई, मुझे लग रहा है तो गाड़ी में ही कमी समाधान हो गया। अब उस पर तुम अगर यूनियन बाजी करते, 50 लोग जाके ऑफिस घेरते, नेतागिरी करते, तो फिर हमारा काम ही खत्म हो जाता उसमें जी। तो कोई चीज है, आप तरीके से हमसे बताओ, उसका समाधान है। और अब तुम कहोगे वहां साइड पर जाकर के वो सुपरवाइजर से मुझसे बात करो, मैं नहीं करूंगा ना, मेरा लेवल है ना, मुझे बात करना होगा, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर से बात करूंगा, ट्रांसपोर्ट मैनेजर से बात करूंगा, मैं सबसे थोड़ी बात करने लगूंगा। और फिर उससे बात करके कोई समाधान भी तो नहीं है जी। वो भी तो वही जाएगा ऊपर ही, तो मैं डायरेक्ट वही बात कर लूंगा, हो गया समाधान। मगर समाधान बताओगे तो नेतागिरी करोगे, भैया खुद जानो, ठीक है। एजेंसी की जिम्मेदारी आपके वीजा की है, जो कंपनी का एग्रीमेंट मिला है वो कंपनी की है, तगेम का। तजाकिस्तान जा रहे हो, अफगानिस्तान चले जाना तो बताना कि गलत आ गया, तजाकिस्तान ही जाओगे, ठीक है। 2 साल का हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल में आपकी सैलरी की पूरी जिम्मेदारी हमारी, बसरते 26 दिन ड्यूटी करते हो तो, बराबर। 30 दिन करते हो और अच्छी बात है, जो 4 दिन का एक्स्ट्रा है उसकी भी जिम्मेदारी हमारी, ठीक है, समझ आया। वीजा में कोई दिक्कत है हम जिम्मेदार है, टिकट में जा रहे हो कोई दिक्कत होगी हम जिम्मेदार है, कोई लेने नहीं आता एयरपोर्ट पे हम जिम्मेदार है, मेडिकल में कोई प्रॉब्लम होती है लगभग उसके लिए भी हम ही जिम्मेदार है, क्योंकि हम चेकअप करो की जिम्मेदारी हमारी है। आपकी तबीयत खराब होती है उधर लोकल क्लिनिक में, अगर वो मना करता है दवाई करने से तो हम जिम्मेदार हैं, वो दवा कर रहा है फिर भी तुम कह रहे हो नहीं हाँ हमें नहीं आराम हो रहा है इंडिया ही जाएंगे तो तुम जिम्मेदार हो, वो कर रहा है नहीं ठीक होगे दुकान में जाओगे। और वहां पे कुछ मूर्ख लोग हैं, पता कुछ नहीं है, ज्ञान दे देते हैं कि यहाँ पे आए हो बीमार हो जाओगे खुद करना पड़ेगा, खुद नहीं करना पड़ता, उसका लेबर लॉ है, कानून है, इंडियन एम्बेसी बैठी है वहां पे इतनी बड़ी, ऐसा नहीं है। मगर वहां कुछ मूर्ख लोग ऐसे ही भड़का देते हैं, अरे बीमार हो गए हो तुम, ठीक नहीं हो गए तुम्हें अपने पैसे कराना पड़ेगा। वहाँ कुछ ट्रांसलेटर भी बेवकूफ है, 2 लोग हैं जो इसे बोल देते हैं बेवकूफी वाली बातें, तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी है आप कंफ्यूज होते हो, कोई कोई चीज ऐसा लगता है जो गलत है या कंफ्यूजन है वो मुझसे क्लियर करो, मैं बताऊंगा, और मैं बताऊंगा यानी उसका समाधान भी बता दूंगा, इस आदमी से जाके मिलो ये कर देगा और उससे जाके मिलो, उस चीज आपका सॉर्ट आउट होगा, ठीक है।
कैनवास से बोल दूंगा, प्रोजेक्ट मैनेजर से बोल दूंगा, ट्रांसपोर्ट मैनेजर से बोल दूंगा, नहीं होगा एचआर को कॉन्फ्रेंस में लेके बात करा दूंगा, डायरेक्ट कंपनी के एचआर मैनेजर डायरेक्टर को फोन कर दूंगा, कॉन्फ्रेंस में बात करा दूंगा, वो सबका समाधान है मेरे पास। ठीक है, किसी तीसरे से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां खुद ही तुम्हारे जैसे हैं सब। वो जब एक ही जैसे तो ज्ञान क्या देगा, वो तो कंफ्यूज ही करेगा ना, खुद कंफ्यूज। और कभी कभी कुछ लोग होते हैं खुद नहीं कंफ्यूज है, दूसरे कंफ्यूज कर देते, होता है हर जगह। अभी आप जाओगे तो उसमें 10-12 ऐसे हैं जिनका काम ही हो, स्पेशली ढूंढेंगे नए लड़के कितने हैं, चलो इनसे जरा मिलते हैं, वो सारी नेगेटिव रिपोर्ट लेके आएंगे तुम्हारे पास, अब उसी में से 2-4 को गवाह बना देंगे। होता है 4-5 लोग खुराफाती सब लेके जा रहे हैं कि ये है, ये दिमाग लगाएंगे, मुझे पता है ये लौंडा जा रहा है, देखो नया वाला पावर को इतनी बड़ी कंपनी बोला, वो तो 8-9 कंपनी फंस जाता है, नई कंपनी बना लेता है, फिर फंसता है, नहीं दुबई का गवर्नमेंट पागल बैठी है क्या, फंसाने खेल खेल रहा है। अरे कंपनी एक आदमी का दुबई में वीजा लगाने कॉस्ट है 6500 दिरहम, एक दिरहम मतलब 22 रुपए से ऊपर चल रहा है, अभी 23 पहुंच गया है। 6500 दिरहम कितना हुआ? तो जिस चीज का कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो, उतना पैसा एक वीजा लगाने में लगता है दुबई में कंपनी को, मतलब मोटी मोटा कितना हो गया पता है, 1,25,000 से भी ऊपर एक आदमी का वीजा लगाने में खर्चा आता है कंपनी, और एक एक कंपनी में उसके चाहिए। तुम किसका प्रोफाइल बोले, बोले ना पावर बोले, मैं मानता हूँ सप्लाई कंपनी है मगर वीजा तो लगाती है ना, तो वीजा लगाने में इतना एक आदमी इतना खर्चा एक कंपनी में उसके कम से कम 800-900 आदमी बराबर, छोटा कंपनी है नहीं है ना, कितना बड़ा बड़ा कैंपस, 800 आदमी मतलब 8 करोड़ वीजा लगाने में खर्च हुआ, उसके बाद पेपर बनाने में उसका उधर रहने के लिए 2 साल का परमिशन निकालने में उसने एक आदमी पे खर्च किया 1,25,000 रुपए, 800 आदमी मतलब 10 करोड़ के आसपास, ऐसा ऐसा 10 कंपनी मतलब 100 करोड़, 100 करोड़ लगा के उसने तुम्हें वहां 24 महीना रहने का जुगाड़ किया, उसके बाद खाना रहना मेडिकल दवाई पानी गाड़ी वाला खर्चा कितना पैसा लगाया उसने, तो चोर कैसे हुआ? और तुम उतना देके नहीं जाते हो, तुम कितना देकर गए थे बता रहे हो, 70,000 बराबर, उसी में सब एजेंट बांट लिए होंगे, कंपनी कुछ नहीं मिला हुआ बराबर है, तो वो क्यों तुम बुलाएगी वहां फालतू में, 100 चढ़ा पैसा बर्बाद करने का अपना, कहीं ना कहीं तुम लोग का कंफ्यूजन रहता है, आप पूरी चीज समझ नहीं पाते, जैसे आधा कंफ्यूजन यहाँ क्लियर हुआ एजेंट के यहाँ वहां से पहुंचने में, यहाँ तक कंफ्यूज थे ना आधा, आधा मैंने क्लियर किया, कुछ चीज वहां जाओगे पूछना सही आदमी से गलत आदमी से पूछोगे तो और कंफ्यूज कर गए, जैसे तुम लोग इतना कंफ्यूज थे, मैं यहाँ आए लगभग आधा कंफ्यूजन दूर हुआ ना, अभी भी कह रहा हूँ कोई कंफ्यूजन है फिर पूछ लो मुझसे, कंफ्यूज होकर मत जाओ, वहां जाओगे अपने जैसे किसी से पूछोगे उसको खुद नहीं पता होगा, मान लो जाके भी वहां 2-3 महीने रह लेंगे, कोई नया ग्रुप जाएगा इनको सोचेगा वो समझदार आदमी है ना, है यही होगा ना, एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे ये गए या ये गया लौंडा, अभी एक साल रह रहेगा वहां पे तो बहुत समझदार थोड़ी हो जाएगा, 1.5 साल दुबई में रह के आया है, कितना समझदार है देखिए, बच्चों जैसी बात कर रहा है, तो जो नया लौंडा जाएगा इसकी उम्र वाला इनके पास नहीं जाएगा, सोचेगा अंकल से क्या बात कर लो, अपने बराबर वाला इसी से पूछता हूँ, तो ये पता है देर से जब इधर कंपनी 6 महीना बिता के नया जाएगा उसको क्या रिपोर्ट देगा, अबे कहां आके फंस गए तुम, ये जब गड़बड़ होता है तो नई कंपनी बनाता है और नई यूनिट में भेज देता है, ये पहाड़ों में तो कंपनी है, पहाड़ों को पानी पिला रहा है साला, खाने में यार एक ही बना देता है, एक ही सबको खिलाता है, कोई स्पेशल सिस्टम ही नहीं है ऐसे ही होता है ना, बोला था पहले महीने सैलरी होल्ड रहेगी, अगले मिलेगी, तीसरे महीने सैलरी देता है, तो सब गोबर उसका दिमाग तो गोबर भर दिया ना पूरा एकदम से, क्योंकि खुद कंफ्यूज रहेगा ना, तो ऐसे ही लोग जाकर के कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर वो घबरा जाएगा, वो अपने घर वाले फोन करेगा फंस गए आके बहुत बुरा फंस गए, आप टिकट भेजो, जैसे कहेगा टिकट भेजो हमारे पास फोन आएगा, ये लड़का काम नहीं कर रहा जाना चाहता है, आप मेल कीजिए इसके लिए, हम क्यों मेल करेंगे, हमने तो भेजा है काम करने के लिए ना, हम कहेंगे भैया अपना हिसाब किताब करके आओ, कंपनी कहेगी $800 वीजा का भरो, 30,000 का टिकट अपने घर से मंगाओ, और तुरंत गए हो अगर तुरंत आ रहे हो, मान लो वीजा नहीं स्टंप हुआ फिर भी कम से कम कुछ नहीं जो 700 मोनी वहां पे करो, कंपनी एक्सपेंस जो खर्च हो रहा है तुम्हारा ये मेडिकल दवाई पिकअप करना, क्या हो सर ये पूछ रहा है कि एक साल बाद जो रिन्यूअल होगा मुझसे पूछ लो पहले, आपस में नहीं मैं इसलिए बोल रहा हूँ तो पूछना मुझसे, रुक जाओ इसका, फिर तो जब वापस आने बोलोगे 700 मोनी वो भरना पड़ेगा, टिकट मंगाना पड़ेगा, खर्चा आ जाएगा 40,000, तुरंत जाओगे एक महीने के अंदर आओगे तो, और वीजा स्टॉप हो गया तो $800 प्लस 30,000 मतलब मोटी मोटा कितना 1,00,000, और क्यों आएगा वो बेचारा वापस, क्योंकि तुमसे जाके उसने ज्ञान ले लिया, और ज्ञान मिला मगर अधूरा ज्ञान मिला, हो गया विनाश की जड़, तो पुरानी कहावत है अधूरा ज्ञान विनाश की जड़, अगर आप मैं इस चीज की सियोरिटी दे सकता हूँ आपको, किससे पूछोगे क्या पूछोगे अपना दिमाग का वो है, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, समझा ही सकता हूँ नहीं पढ़ना तुम जानो, अगर आप 26 दिन काम करते हो आपका पैसा पूरा आएगा,
इन केस कोई अब्सेंट वब्सेंट कहीं लगा दिया मुझसे बताओ ना, मैं बात करूंगा ना। आप बस प्रूफ होना चाहिए आपने ड्यूटी किया मगर। आपसे कैसे कॉन्टेक्ट होगा? अरे भैया हर एग्रीमेंट में मेरा डायरेक्ट नंबर लिखा हुआ है। फिर वो रिसीव तो होगा रिप्लाई। काहे फोन लिया है, बिल भरता हूं उसका, महीने का 900 रुपए का प्लान है, इंटरनेशनल रोमिंग तक एक्टिवेट है और रिसीव करता हूँ मैं बकायदे। नहीं है तो यूट्यूब पे चले जाना, एकदम आसान, वहां जाके कमेंट कर देना मुझे, मेरे पेट में दर्द है, जल्दी बात करो मुझसे, कोई कोई फोन कर लेगा, ठीक है? व्हाट्सएप पे मैसेज हो जाएगा, तुम जहां मर्जी कर लेना भाई, हमारे पैसा होगा डायरेक्ट कॉल करना, नहीं तो व्हाट्सएप कॉलिंग तजाकिस्तान से बहुत बढ़िया होती है इंडिया में, जैसे ऐसे लगता है गांव से बात हो रही है, दुबई वगैरह में तो दिक्कत नहीं होती, यहां से एकदम बढ़िया व्हाट्सएप कॉलिंग होती है, एचडी में तो बिल्कुल आवाज नहीं कटती है, ठीक है? व्हाट्सएप से रिप्लाई तो मिल जाएगा। अबे यार तुम इतना नेगेटिव सोच रही हो, तो मैं पाकिस्तान थोड़ी जा रहा हूं भाग के, यहां से मैसेज के अभी तक रिप्लाई नहीं है। किस बात का मैसेज के रिप्लाई नहीं है? नहीं जैसे अभी तो हो गया वो टिकट ओके था। क्या तुमने मुझे क्या मैंने रिप्लाई किया? एक मिनट तुमने भी बोला कि मैंने इतना दिन रिप्लाई किया, रिप्लाई नहीं, कहां तुमने मुझे कॉल किया मैसेज के, मैंने रिप्लाई नहीं किया? व्हाट्सएप पे मैसेज किया। कहां किया दिखाओ मुझे तो हो गया वो, दिखाओ मुझे मैसेज, दिखाओ, तुमने मेरे ऊपर उंगली उठा दी कि मैसेज किया रिप्लाई नहीं किया, दिखाओ मुझे कहां तुमने मैसेज किया मैंने रिप्लाई नहीं किया, जल्दी करो जल्दी। ये आपने जो रिप्लाई नहीं आया है, मगर आपका टिकट सही होके मिला कि नहीं मिला? कैसे मिला वो टिकट तुम्हें कैसे पता कि मैंने उसको देखा नहीं है? बिना देखे तुम्हारा तुम्हारी समस्या का समाधान हो गया कि नहीं हो गया? तो मेरा काम है, मेरा काम है समस्या देखना, मैंने देखा तुम्हारी समस्या, उसी समय मैडम को भेज दिया, उसका बात करो ये लड़का कोई है किस एजेंसी का, एजेंसी वाले से बात करो, उसका टिकट सही करके उसको भेजो, हो गया ना समस्या का समाधान? मेरे से बात होना जरूरी है? मैं क्या बोल रहा हूँ, समस्या के समाधान के लिए मैं बैठा हूँ, बराबर है, बात करना जरूरी है। अरे मेरे भी अभी ओरिएंटेशन करा, सुबह से मैंने किसी से बात किया नहीं, किया ना, मगर कम से कम 10 लोग का मैसेज पे काम हो गया तुम्हारा, तुमने मैसेज किया तुम्हें समाधान मिला ना तुरंत, तो बस तो तुम ये कैसे करो मैंने मैसेज किया हुआ नहीं, अगर मुझे ना करना होता तुम्हारा हो जाता, या तभी तो हुआ, मैसेज तुमने मुझको ही किया है, मैंने तुमको रिप्लाई भले नहीं किया है, तुम्हारा काम हो गया, तुम्हें मिल गया टिकट सही हो गया ना, बस यही तो चाहिए कि तुम वहां मुझे फोन करो, तुम तुम्हारी समस्या मेरी समझ में नहीं आएगी तो मैं खुद फोन करूंगा, भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा तुमने क्या भेजा है, जब मुझको समझ में आ गया स्पेलिंग मिस्टेक है टिकट की, लड़के का सही कर दो, एयरपोर्ट पे रोक लेंगे तुम्हारा, ओके टू बोर्ड करा के सब कुछ सही होके प्रॉपर टिकट मिल गया, काम खत्म हो गया, मेरा काम हो गया ना, तो ऐसे ही कोई समस्या होगी बता दी, यहाँ क्या है, मैं खुद ही तुमसे फोन करूँ ना करूँ, मैं कैंपस को फोन करूंगा, लड़के का नाम है आईडी है, जाके मिलो बात करो, इसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करो। अभी उधर कम से कम 30 ड्राइवर की सैलरी कटने की नौबत थी, क्या 300 से मैंने बात किया? मैंने तो सिर्फ 2 से बात किया, बाकी 27 को मैं जानता भी नहीं कौन था, लिस्ट आ गई थी मेरे पास, मैंने लिस्ट भेजा, इनका समाधान करो, उनका हो भी गया खुश, अब मैं 27 से बात करूंगा तो मैनेजर से कब बात करूंगा, अब फिर 27 में सारे समझदार थोड़ी होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो इतनी बड़ी बात को इतना बड़ा बताएंगे, तो मुझे पता है ना कि कहां बात करनी, मैं काम की जगह बात करूंगा, अभी मैंने क्या बोला कि आप किसी भी फोन दोगे तो मैं बात नहीं करूंगा, आप समस्या बताओ, मेन आदमी से बात कर लूंगा, समस्या का समाधान हो जाए, समझे? मुझे फोन करो, मैं क्या करूँ, तुम अपना सो ना सो जाके बाहर छत पे टहलो, ये नहीं काम की बात करोगे ठीक है, ब्लॉक भी कर देता हूँ, ये भी सही बात है भाई, जब तुम फालतू वाली चीज भेजोगे पता क्या, बाथरूम में वो करके आया, अभी मैं खुद बाथरूम गया, उधर बाथरूम कर करके तुम लोगों ने भर रखा है, फ्लश नहीं चालू किया, बल्कि पानी की कर सकते हो, तब ऐसे वहां पे लड़के कर देते हैं, कुछ लड़के वहां जाके बाथरूम की फोटो खींच के भेजेंगे, अब लेटिन थोड़ी साफ कर ले, करो या ना करो तुम जानो, बाकी कुछ साइड ऐसी होती है जैसे ड्राइवर्स के साथ में होता है, ऊपर काम हो रहा है टेम्परेरी लेटरिन बनती है, तब उसको थोड़ी सही कराऊंगा मैं, ये सब मतलब खुद भी तुम्हारे सेंस होना चाहिए, भेजना क्या है, जैसे टिकट जायज थी तुम्हारे बस की बात नहीं थी, वो जेन्युइन चीज एयरलाइन से करवाना पड़ता है करके, हो गया ना फट से तुम्हारा समाधान, बात मैंने नहीं किया, रिप्लाई भी नहीं किया मैंने, वो देख करके करवा दिया, उससे जुड़े आदमी भेजे इसको करे तो सही करके दो लड़के को, ऐसा कोई जेन्युइन होगा हो जाएगा, ठीक है? अब तुम बेटा थोड़ा सा ठीक ठाक रहना, और इस बार वीजा ध्यान देना लग जाएगा, ठीक है? इसका वीजा सब लोग चेक करना, अभी एयरपोर्ट पे एक स्टिकर लगेगा, एक महीने बाद एक स्टिकर और लगेगा, ठीक है? ठीक है, उम्र कम है तुम पे, मुझे डाउट लग रहा है तुम कलेज कर सकते हो, ठीक है? बाकी फिर बता दूं, सैलरी का जिम्मेदारी मेरा, काम का जिम्मेदारी मेरा, कैटेगरी का जिम्मेदारी मेरा, ओवर टाइम करोगे उसका मेरा जिम्मेदारी, वीजा का मेरा जिम्मेदारी, 2 साल बाद आओगे हिसाब में 1 रुपये भी कम रहेगा मुझे बताना,
फर्स्ट मंथ की जो होल्ड रहती है एंड में मिलती है, दो साल पूरा करके आओगे $400 बोनस भी मिलेगा। किसी का $1 भी कम होता है तुम्हारा जेन्युइन प्रूफ है कि हाँ मेरा होता है, वो मेरी जिम्मेदारी है। दो साल तक काम नहीं करोगे, किसने क्या बोला उसका मेरा जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। फिर बता दूं मेहनत वाला काम, ठीक है। और थोड़ा इन्वायरमेंट का भी फर्क होता है, दुबई सऊदी जो रहा होगा वो सब हाई फाई सिटी है, वहां भी होता है। रैसल खेमा चले जाओ और आगे रोला चले जाओ, पहाड़ों में वहां भी काम होता है, रेतीली जगह है, मगर ये हाइड्रो प्रोजेक्ट है, ये थोड़ा सा सिटी से बहुत बाहर है, ये होता है गांव वाला माहौल। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट होता है, मतलब समझ लो प्रोजेक्ट है वो। तो इस चीज के लिए मत बोलना कि यहाँ तो शहर से बाहर है, सुबह घूमने को नहीं मिलता, मार्केट ये सब नहीं वहाँ पे है, अंदर में अपना वकाला है, वकाला मतलब दुकान वुकान है उधर सब कुछ, तो वहां पे रहता है वो चीजें, सो सामान सब मिलेगा, सब कुछ रहेगा, मगर बाहर अलाउ नहीं करते लोग जाने को, क्योंकि पहले करते थे लोग दारू पी के जाके वहां शहर में बेहोश पड़े, दारू सस्ती है पी ले बेहोश होके भी पड़े, तो कंप्लेन आती थी कंपनी को। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, मिलिट्री का सिक्योरिटी है, तो इसीलिए अभी उसने अलाउ कर बंद कर दिया, अलाउ नहीं करता वो बाहर जाने को। 25-30 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, उसी में रहो। 25-30 किलोमीटर बहुत बड़ा एरिया होता है, छोटा मोटा जिला हो जाता है उतने में, ठीक है। और कुछ मुझसे पूछना है, कुछ भी कंफ्यूजन है? एक साल बाद जो रिन्यूअल होगा वीजा, एक साल बाद जो वीजा रिन्यूअल होगा वो चार्ज किसको, मतलब हमको करना है इसी कंपनी को? एक साल बाद वीजा रिन्यूअल होगा ना, तो चार्ज किसको देना है, हमको देना है कंपनी को? सर वीजा रिन्यूअल होगा तो ये चार्ज आप क्यों दोगे? अभी जिस वीजा पे जा रहे हो वो वीजा कंपनी दे रही है ना जी। ऐसे ही वीजा रिन्यूअल किसी भी देश में होता है तो चार्ज हमेशा कंपनी ही दे रही है, कंपनी देता है, ठीक है, आपको नहीं देना है। एक साल पे आओगे तो रिटर्न टिकट फ्री मिलेगा, जाने का टिकट फ्री मिलेगा, ठीक है। वीजा फिर भी रिन्यूअल होके मिलेगा, $400 बोनस नहीं मिलेगा जी। जैसे मैंने बोला ना, दो साल पे आओगे तो बोनस मिलेगा, वो बोनस तभी मिलेगा जब दो साल कंटिन्यूस आप रहोगे। दो साल के एग्रीमेंट है तो एक साल में भी आ सकते हैं क्या? आ सकते हैं, एक साल बाद आ सकते हैं, क्योंकि इन कंट्री का वीजा ही एक साल का होता है। दो साल के जगह चार साल रहना चाहते हैं, अब वो तुम्हारी मर्जी, जिंदा अभी तो प्रोजेक्ट दसियों साल चलेगा, दसियों साल रहो। अब वो कंपनी सैलरी बढ़ाएगी, इंक्रीज करेगी, अच्छे होंगे, प्रमोशन करेगी, वो सब इंटरनल प्रोसेस है उसका। फिलहाल मैं दो साल तक का जिम्मेदार हूँ। ये दो साल के बाद सर सैलरी 300 इतना ही रहेगा या फिर और कुछ बढ़ेगा? सैलरी देखो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती, लेबर ओवर में बढ़ती बढ़ती नहीं, उसी में प्रमोशन वगैरह से ही बढ़े। प्रमोशन वगैरह किसी का होता है तो होता है, जिससे कुछ क्वालिटी होती है, किसी में से भी थोड़ा सा लग रहा है साफ सुथरे। पढ़ाई क्या की अपने? 12th तो इनको थोड़ा सुपरवाइजर उपरवाइजर में कर सकते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर वगैरह में कर सकते हैं नॉलेज नहीं तो, मगर उसके लिए मैं भी बोल रहा था थोड़ी देर पहले ना, पढ़ाई थोड़ा सा जरूरी है। अब एकदम नहीं पढ़े हो तो पूरी जिंदगी लेबर में रहो, क्या फर्क पड़ता है भाई? यार तुम दोनों बात बहुत करते हो, क्या पूछना है बताओ? नहीं सर, जैसे कि मैं मुंबई में सुपरवाइजर कर रहा था तो जाके वहाँ पे काम करूंगा हेल्पर का, कुछ अगर दिमाग लगा के कर सकता हूँ तो। क्या सुपरवाइजर कर रहे थे? सुपरवाइज कर रहे थे, सुपरवाइजर कर रहे थे, कर रहा था तुम्हें बोलने नहीं आता डोरिंग क्या होता है? ड्राइंग होता है कि डोरिंग होता है? बेइज्जती करा दो तो फोरमैन के नाम की ऐसी दिक्कत होती है ना लड़कों को, वहां जाके बोलेंगे हम तो फोरमैन थे, हम तो इंजीनियर थे। अब तुम्हें जब वो बुलाएगा रूम में, बोलूंगा सर एक लड़का गया फोरमैन था यहाँ पे, तुमको बुलाएगा वो मैनेजर केबिन में, बोलेगा क्या देखते थे? तो बोले ड्राइंग, क्या बोले ड्राइंग, क्या बोला था जिसे बोला था ड्राइंग। अब ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग तुम और जितना बनाओगे उतना बिगाड़ोगे, डोरेमोन बचेगा लास्ट में, कुछ नहीं बचेगा। तो बेटा यही चीज है, आप कितना पढ़ाई किए हो? 8th तक पढ़ के तुम कैसे फोरमैन हो जाओगे? मैं क्या बोल रहा हूँ, 8th तक पढ़ के अगर फोरमैन होते तो जो पढ़े लिखे आते सिविल इंजीनियर ये क्या होंगे? लेबर। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाई वाली बात बता रहा था ना, यही फर्क होता है पढ़ाई में और ना पढ़ाई में। मैं मानता हूँ तुम काम करवा लेते होगे, मैं ये नहीं कह रहा तुम नहीं करवा पाते, हो सकता है तुम करवा भी लेते हो, प्रैक्टिकल नॉलेज हो, मगर जब तक जो चीज तुम, कोई फोरमैन क्या होता है उसको पता है, मीटिंग में बुलाया जाता है इंजीनियर के साथ, क्या चलना है, क्या प्लान है, कौन सा डिजाइन क्या है, तुम चीजों को ही दूसरे नाम से बुलाओगे, बोलना कुछ और चाहोगे, समझ कुछ और जाएगा, वो तो यहीं पे मार खा जाते हैं। तो आप कैसे फोरमैन हो जाओगे? फोरमैन का इंटरव्यू पता है इंग्लिश में? अभी चाहिए फोरमैन इस कंपनी में, अभी इस कंपनी में $600 से $700 सैलरी, खाना फ्री है, फोरमैन हमको चाहिए कंक्रीट का, मगर जिसको ड्रॉइंग आती हो, स्ट्रक्चर कंक्रीट केमिकल का नॉलेज, और ड्रॉइंग हमेशा इंग्लिश में होती है।
या तो लोकल लैंग्वेज में होगी या तो इंग्लिश में होगी. लोकल लैंग्वेज मीन्स या तो ताजिक या रशियन में होगी या तो इंग्लिश में होगी. आप तीनों में से एक भी लैंग्वेज जानते हो? आया ना, बोलो क्या समझोगे ड्रॉइंग? अभी आपने बोला ना, मैं ड्रॉइंग में मान लेता हूँ ड्रॉइंग नहीं बोल पा रहे, मगर ड्रॉइंग बोल रहे. ड्रॉइंग या तो इंग्लिश में होगी या रशियन में होगी या ना ताजिक में होगी, तीन ही लैंग्वेज में हमारे होती है. तीनों में से एक भी नहीं आती. अरे भैया ड्रॉइंग है, उसमें एक इंच भी खराब कर दोगे ना तो पूरा प्रोजेक्ट ही का नाश हो जाएगा. अगर एक सूत भी गलत बीम बनवा दिया ना तो तोड़ना पड़ेगा. अब कितना कितना टन सरिया सीमेंट बर्बाद हो जाएगा तुम्हारी एक एक इंच की गलती से. तुम पूरा साल ड्यूटी करोगे तो भर नहीं पाओगे एक पिलर का दाम. और डैम है और उस पर जुगाड़ नहीं चलता, एक एक चीज पैमाने पर डैम है, कल को छोटी गलती होगी तो गिर जाएगा वो. इसीलिए होता है कि जो चीज ना जानो वहां पे मत जाओ. आठवीं पढ़े हो कोई चांस नहीं है फोरमैन बनने का. असिस्टेंट सुपरवाइजर उपरवाइजर में भी कम से कम 12 होगा. अब आठवीं पढ़े हो क्या हाजिर, मैं कहता हूँ असिस्टेंट सुपरवाइजर भी करना चाहेगा तो तुमसे कहेगा इन सब की हाजिरी भरो. कैसे भरोगे तुम? इंग्लिश आती नहीं है, हिंदी उनको समझ में नहीं आएगी, हिंदी उनको समझ में नहीं आएगी, इंग्लिश तुमको नहीं आती. चलो इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है, अगर इंग्लिश आएगी तब भी तुम सीख भर के भेजोगे तो पढ़ समझ लेगा. किसी भी देश में जाओ इंग्लिश अगर आती तो आप मैंने सर्वाइव कर सकते हो. बिग पॉइंट है, अभी बुरा ना मानना, मतलब मैं बता रहा हूँ रियलिटी बता रहा हूँ. मैं नहीं तुम्हें छोटा दिखा रहा हूँ, बड़ा दिखा रहा हूँ. बराबर है, गलत बोलो तो बोलो. अभी सही है, 12th पढ़े तो एटलीस्ट मैंने कहता इंग्लिश में बात कर लेंगे, मगर सीट भर सकते हैं, एक्सेल सीट भर सकते हैं, रजिस्टर इंग्लिश में मेंटेन कर सकते हैं. इंग्लिश ये नहीं कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, वो सिर्फ वो नाम तो इंग्लिश में टाइप कर लिख लेंगे, 1, 2, 3 लिख लेंगे, घंटा लिख लेंगे, काम खत्म, लड़के साइन तो सबमिट कर लेंगे. तो $700 वाला सुपरवाइजर नहीं तो $500-$400 तो दे देगी कंपनी दो साल बाद की, चलो कर दो इस लड़के. वो तो वहां की बात है, बट आपके पास कम से कम बेसिक नॉलेज होना चाहिए. जो आठवीं नौवीं पढ़े हैं उनका कोई चांस नहीं. वो 10 साल भी मैं दुबई सऊदी में काफी लोग अंकल लोग अभी वो चचाए थे ना, इतनी इतनी उम्र के हो जाते हैं, लेबर 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 ही रहते हैं, क्योंकि अब सत्रहवीं आठवीं पढ़े हैं तो क्या करेंगे, कुछ कर ही नहीं सकते, ऑप्शन ही नहीं उनके पास. तो ये चीज होता है. तो इसीलिए मैं हमेशा अभी थोड़ी देर पहले बोल भी रहा था कि ऐसे लड़कों को भेज करके मुझे दुख होता है. पैसा इनमें मिल रहा है, इनमें मगर इनको में दुख होता है, इनका कुछ नहीं फायदा है, ये पूरी जिंदगी रहेंगे लेबर ही रहेंगे. ठीक, इंडिया में कर लेते थे इसलिए आप कर लेते होंगे, क्योंकि लैंग्वेज कॉमन है, हिंदी हिंदी है. अदर कंट्री में जाओगे बस मैनेजमेंट थोड़ी ले पढ़ा है, अनपढ़ बैठा होगा. मैनेजमेंट पढ़ा लिखा है, उसको रिपोर्ट तुमसे चाहिए होगी, वो मांगेगा इंग्लिश में. अब वो हिंदी सीखने थोड़ी आएगा तुम्हारे चक्कर में. ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? सैलरी क्लियर है लेबर को? कितना? 330. जितने लौट के आते हैं 200-500 में से वो बताने वालों के चक्कर में आते हैं. मैं क्लियर किया कि वहाँ पर्सनल सिम, दुनिया में कहीं भी जाओगे सब जगह पर्सनल. अब क्या पर्सनल क्या होता है? आपके फोन में सिम लगा है, आप यूज कर रहे हो, उसे पर्सनल बोलते हैं. कि और वो सार्वजनिक होता है जो वाईफाई होता है, एक जगह राउटर लगा है, सब कनेक्ट बराबर. या वो भी सार्वजनिक, तुम्हारा सिम ये भी अपने अपने फोन में लगाएंगे तब हो गया सार्वजनिक. तो ऐसा सिम तो होता नहीं कि दुनिया में सब लोग बदले. बेटा सब कुछ मिलता है आईडी मिलने के बाद, 15-20 दिन 25 दिन जब तक तुम्हारा वीजा नहीं स्टंप हो जाएगा तब तक आपको वाईफाई दोस्तों से लेकर के कनेक्ट करना है, वो नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलता है बिना आईडी के. जब आईडी स्टंप हो जाएगी आपको तजाकिस्तान की, तो आपको सिम कंपनी दिला देगी, जो भी चार्ज होता होगा उधर का, रिचार्ज चार्ज का सिम का, तो आपको पे करो, कंपनी वाले ही दिलवा देंगे. उधर रुखसाना मैडम है, यरोदा क्या नाम है, ऐसे कुछ है ट्रांसलेटर है वो यरोदा, वो लोग दिलवा देती है. ठीक है, मिल जाता है, सबको मिलता है, मगर जाते ही नहीं मिलता कहीं भी. जब तक आईडी नहीं आएगी नहीं मिलेगा. और पर्सनल सिम ही होता है वो, तुम जब तक रहोगे तुम्हारे पास ही रहेगा, तुम्हारा अपना है, तुम रिचार्ज करो यूज करो. ठीक है, उस कंपनी का सिम होता है. ठीक है, और बताने वाले है ही, तो कुछ भी कह देंगे वहां तो. अभी ऐसे ऐसे मिलेंगे बोले फंस गए तुम्हारे यहाँ, यहाँ तो मर जा. आज तक मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ 3 साल में ऊपर वाले की दया से आज तक किसी खरोच भी नहीं आया. हमारे पास ऐसे ऐसे कभी कोई फोन आ जाते हैं लड़कों, सर यहाँ तो 5-6 भी परसों मरे. हम कहते जब उनका डिटेल भिजवा दो, 10 लाख का इनाम है, और ना भिजवा पाए तो बहुत कुटवाऊंगा तुमको मैं, तो फिर दोबारा फोन नहीं करता. बेवकूफो कभी नहीं है जगह ऐसे होते, सिमम सब कुछ मिलता है, कहीं कुछ नहीं दिक्कत. एयरपोर्ट से निकलने के बाद रिसीव करेंगे? एयरपोर्ट से निकलेंगे आप तो एक सोनू जी करके है, वो आएंगे, आपके कैंप मैनेजर है, वो आपको रिसीव करने आएंगे. आप लोग का स्टैम्प करवाएंगे पासपोर्ट के साथ,
और सारा जो भी प्रोसेस है खुद करवाएंगे, आपसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जिसका जिसका डॉलर का हिसाब किताब क्लियर है, लगभग सबका क्लियर है, जितना आप 16 लोग का जितना है क्लियर है, और कोई दिक्कत नहीं है, वो सबका क्लियर कराएंगे। कोई अपना लेके जा रहा है कौन अपना, बाकी 15 लोग का वो अपना क्लियर कराएंगे सारा, ठीक है। जो एनवलप दे रहा हूँ उनको दे देना, वो करके ले जाके मेडिकल करवाना, रुकना खाना पीना होटल, वहां पे किसी को कोई एक रुपए किसी को देने की जरूरत नहीं है, आप लोग का सब कुछ होकर, ठीक है। सिम के लिए रह गया, सिम आप लोग का 15-20 दिन बाद ही मिलेगा जब आईडी आएगा, तो तब तक आप लोग क्या है आपके गांव के कहां कहां के हो, गोपालगंज सिवान में गोरखपुर ऐसे ही सब लोग कुछ लगन ना, तो सब जगहों के लड़के हैं, सब जिलों के लड़के हैं, अपना प्यार से रहोगे, वाईफाई किसी से भी ले लो, बात कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है, दे देते हैं लड़के, उधर से इंटरनेट बहुत सस्ता है तो ऐसा कोई मना नहीं करता, इंडिया जैसा ही, ठीक है। और वाईफाई से बहुत बढ़िया बात होती है, ठीक है। और कुछ पूछना है, कुछ भी पूछना हो पूछ लो, बाद में कंफ्यूजन में मत जाओ। सर मैं कह रहा था कि जाने के बाद में कुछ पॉकेट खर्चा भी देगा? हाँ, कंपनी पहले देती थी मगर अभी वो भी बंद कर दी है, अभी बंद किया है, जब तक स्टंप नहीं हो जा रहा तब तक नहीं दे रही है। स्टंप होने में कितना टाइम लगता है? 15-20 दिन तो लग जाते हैं, तो स्टंप होने के बाद ही दे रही है, बाकी कभी कभी दे भी देते हैं, फिलहाल अभी नहीं दे रही है। बीच में कुछ लड़के कलाकारी करते थे इसीलिए उसने बंद कर दिया। तो खाना तो फ्री है ही है, $50 भी ले लोगे तो 3,000 रुपए भी तो कोई जरूरत नहीं, कोल्ड ड्रिंक ठंडा पानी की जरूरत पड़ेगी, ठंडा वैसे भी नहीं पियोगे, ठंडी की जगह है, चाय फ्री है, खाना फ्री है, तो वैसे भी जिन कंपनियों खाना होता है एडवांस बहुत सारी कंपनी देती है, खाना नहीं होता तो तुरंत देती है, मगर यहाँ खाना पीना चाय पानी दूध अंडा चिकन बिकन गाय घोड़ा सब फ्री है, जिसको जो पसंद है खाओ पियो, ठीक है। और कुछ पूछना है? ये एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है, ये वीडियो एग्रीमेंट का है, इसमें एग्रीमेंट से रिलेटेड वो अलग चीज है, बता देंगे ऐसे जाना है क्या जाना है वो लगे, ये एग्रीमेंट के लिए वीडियो है, मेरे ख्याल से सब बता दिया है। ये वीडियो आपका कंपनी में भी रहेगा, मेरे पास भी रहेगा, इंटरनेट से किसी को डाउनलोड करना है तो जाके खुद कर सकते हैं, KTI इमिग्रेशन सर्च करोगे यूट्यूब पे मिल जाएगा, बाकी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, पोर्टल पे वो नहीं कर पाओगे, मुझे पता है वो लंबा प्रोसेस होता है, वेबसाइट पे लॉगिन करना फिर उधर जाके पासपोर्ट नंबर वो सब डालना पड़ेगा, यूट्यूब पे जाओगे आसानी से मिल जाएगा, KTI इमिग्रेशन डालोगे अपना चेहरा पहचान लेना, कल परसों तक आ जाएगा, अभी एक दो दिन बाद ही आता है, ठीक है। ओके, कुछ पूछना है? एग्रीमेंट सबने साइन किया? जी सर। ठीक है, ओके, थैंक यू।